ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अरवी इलाके में पुलिस ने एक प्राइवेट एबॉर्शन केंद्र का भंडाफोड़ कर अवैध रूप से गर्भपात कराए गए भ्रूणों के एक कब्रिस्तान का पता लगाया है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के कैंपस में बने एक पुराने बायोगैस प्लांट में 11 खोपड़ियां और 54 भ्रूण की हड्डियां बरामद हुई है। पुलिस ने गुरुवार को हॉस्पिटल में रेड किया और इसके डायरेक्टर और एक अन्य कर्मचारी को अरेस्ट किया है। मामले की जांच के बाद सब इंस्पेक्टर ज्योत्सना गिरी ने बताया कि हमने इस केस में हॉस्पिटल के डायरेक्टर रेखा कदम और उनकी एक सहयोगी 38 वर्षीय नर्स संगीत काले को अरेस्ट किया है। इस मामले का खुलासा 13 वर्षीय लड़की के अवैध गर्भपात की जांच के दौरान हुआ, जो पास के रहने वाले एक 17 वर्षीय लड़के के साथ कथित संबंध के बाद गर्भवती हो गई थी। दोनों आरोपियों ने पीड़िता से 30,000 रुपए भी लिए थे। सब इंस्पेक्टर ज्योत्सना गिरी ने बताया कि रेड के दौरान हॉस्पिटल कैंपस से कई दागदार कपड़े, बैग, खुदाई के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ फावड़े और वहां फेंके गए अन मेडिकल सबूत भी बरामद हुए हैं, जिन्हें जमा कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। एक स्थानीय डॉक्टर ने बताया कि अवैध गर्भपात, प्रतिबंधित लिंग निर्धारण परीक्षण और यहां तक कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे कथित रूप से अस्पष्ट गतिविधियों की गुपचुप जानकारी तो सबको थी, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में शिकायत करने या इसके बारे में खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। एपीआई सोनूने ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। हमें संदेह है कि इस मामले में अभी कई और तार जुड़े हो सकते हैं। यहाँ बेटी बचाओ अभियान की 2012 में अगुवाई करने वाले पुणे के जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश रख ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह कदम अस्पताल में चलाए जा रहे कन्या भ्रूण हत्या रैकेट हो सकता है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।